फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हमको कहना होता है कि कोई एक नाउन दूसरे के जैसा दिखती है या कोई एक नाउन दूसरे के जैसा लगती है। फ्रेंड्स, कई बार आप अपने डेली लाइफ में सुने होंगे कि कोई इंसान किसी से कहता है कि तुम अपने पापा पर गए हो, या तुम अपने पापा के जैसे दिखते हो, या तुम अपने पापा के जैसे लगते हो। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप किसी लड़की को देखकर ये कहते हैं कि बिल्कुल अपने माँ पर गई है, या वो बिल्कुल अपने माँ के जैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहना चाहते हैं कि कोई एक नाउन दूसरे के जैसा है या कोई एक नाउन दूसरे के जैसा लगता है, तो आप इस कंडीशन में लुक लाइक का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है कि जैसा दिखना या कि जैसा लगना। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो तुम अपने पापा में गए हो, या तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, या तुम अपने पापा जैसे लगते हो, तो आप कहेंगे यू लुक लाइक योर डैड या यू लुक लाइक योर फादर। सी लुक्स लाइक अ कैट, वह बिल्ली जैसा दिखती है या वह बिल्ली जैसा लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि वह बिल्ली तो नहीं है, बट वह बिल्ली के जैसा लगती है या वह बिल्ली के जैसा दिखती है। यानी कोई एक नाउन दूसरे के जैसा लगता है या कोई एक नाउन दूसरे के जैसा दिखता है। तुम एक बंदर जैसे लगते हो, यू लुक लाइक अ मंकी। तुम एक गधे जैसे लगते हो, यू लुक लाइक अ डंकी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर कहना हो वे लोग धोखेबाज लगते हैं या वे लोग धोखेबाज दिखते हैं, तो आप कहेंगे दे लुक लाइक चीटर्स। अगर कहना हो वे लोग बेईमान लगते हैं या वे लोग बेईमान दिखते हैं, तो आप कहेंगे दे लुक लाइक डिसऑनेस्ट। फ्रेंड्स, अगर कहना हो वह चुड़ैल दिखती है या वह चुड़ैल लगती है, तो आप कहेंगे सी लुक्स लाइक अ विच। आप यहाँ पर लुक्स बोलेंगे क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी पार्ट 6 में मैंने आपको बताया कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिमिलर नंबर हो तो वर्ब में एसीएस लगता है। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि वह एक परी लगती है, तो आप कहेंगे सी लुक्स लाइक अ फेरी। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार दो लोगों के बीच के झगड़े में आप ये सेंटेंस सुने होंगे कि लोग कहते हैं तुम कुतिया दिखती हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि तुम कुतिया दिखती हो, तो आप कहेंगे यू लुक लाइक अ बिच। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि वह एक शैतान दिखता है या वह एक शैतान लगता है, तो आप कहेंगे ही लुक्स लाइक अ डेविल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह कटरीना जैसी लगती है या वह कटरीना जैसी दिखती है, तो आप कहेंगे सी लुक्स लाइक कटरीना। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि मैं सलमान जैसा लगता हूँ, तो आप कहेंगे आई लुक लाइक सलमान। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा कि जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक नाउन दूसरे नाउन के जैसा लगता है या कोई एक नाउन दूसरे नाउन के जैसा दिखता है, तो आप बड़े आसानी से कह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया, तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।